निर्मला सीतारमन ने जिस तरीके से बजट पेश किया, कहीं पर इसको लेकर के खुशी है तो कहीं पर इसको लेकर के असंतुष्टि, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा? इसके जरिए युवाओं को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराएंगे। अब हम इनकम टैक्स की व्यवस्था में विवाद से विश्वास के सफर पर चल पड़े हैं। हमारे कंपनी कानूनों में जो भी कुछ सिविल नेचर की गलतियां होती हैं और उसमें कई सालों से क्रिमिनल एलिमेंट है, एक प्रकार से परेशानी का कारण है सामान्य नागरिक को, उन्हें अब डीक्रिमिनलाइज करने का एक बहुत बड़ा फैसला किया गया है। इसके साथ साथ टैक्स पेयर चार्टर के द्वारा टैक्स पेयर के अधिकारों को स्पष्ट किया जाएगा। दुनिया में शायद बहुत कम देश ऐसे हैं जहां पर टैक्स पेयर चार्टर की कल्पना की गई है। भारत आज एक प्रगतिशील कदम उठा रहा है। एमएसएमई से जुड़े छोटे उद्यमियों पर हमारी सरकार ने हमेशा भरोसा किया है। हम नागरिकों पर विश्वास करने वाली सरकार है। अब 5 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर पर ऑडिट की आवश्यकता नहीं होगी, चार्टर्ड अकाउंटेंट के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले ये सीमा 1 करोड़ रुपए तक ही थी, अब इसे 5 करोड़ कर दिया गया है। एक और बड़ा फैसला डिपोजिटर्स इंश्योरेंस को लेकर हुआ है। बैंकों में, और ये खास करके मध्यम वर्ग के लिए होता है, निम्न मध्यम वर्ग के लिए होता है, वो अपने जीवन की पूंजी को बचा के रखता है और कभी संकट में पड़ जाता है, बैंकों में उनका पैसा सुरक्षित है, ये विश्वास दिलाने के लिए अब डिपॉजिट इंश्योरेंस की सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। मतलब कि एक प्रकार से जो छोटे डिपॉजिटर्स होते हैं, 98 to 99% लोग इससे सुरक्षित हो जाएंगे। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की कमिटमेंट को इस बजट ने और मजबूत किया है। फेसलेस अपील का प्रावधान, डायरेक्ट टैक्स का नया और सरल स्ट्रक्चर, डिसइन्वेस्टमेंट पर जोर, ऑटो एनरोलमेंट के जरिए यूनिवर्सल पेंशन का प्रावधान, यूनिफाइड प्रोक्योरमेंट सिस्टम की ओर बढ़ना, ये कुछ ऐसे कदम हैं जो लोगों की जिंदगी में से सरकार को कम करेंगे, नागरिकों की शक्ति बढ़ाएंगे, समाज ताकतवर होगा और उनकी ईज ऑफ लिविंग के हमारे मकसद को कई कदम आगे ले जाएगा। मैक्सिमम गवर्नेंस की दिशा में 1 लाख ग्राम पंचायतों में आंगनवाड़ी, स्कूल, हेल्थ और वेलनेस सेंटर एवं पुलिस स्टेशन को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ना एक ऐतिहासिक शुरुआत होगी और इसके दूर सुदूर के छोटे गांवों में भी लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन के द्वारा गरीब से गरीब बच्चे को, आदिवासी बच्चे को, दलित बच्चे को अच्छे से अच्छी शिक्षा देना संभव होगा। आज सरकारी नौकरी के लिए युवाओं को कई अलग अलग परीक्षाएं देनी होती हैं। नौकरी के लिए साल में ट्रैवलिंग करता है, अपने गांव से सैकड़ों किलोमीटर दूर एग्जाम देने जाता है, बार बार वो एंट्रेंस नौकरी के लिए परीक्षाएं देता रहता है। इस व्यवस्था को बदलकर अब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी द्वारा लिए गए ऑनलाइन और वो भी डिस्ट्रिक्ट में कॉमन एग्जाम के जरिए नियुक्ति की जाएगी। एक ही एग्जाम होगी, बैंक वाला भी उसका उपयोग कर सकता है, रेलवे वाला भी उपयोग कर सकता है, सरकारी अन्य विभाग भी उपयोग कर सकते हैं। इसके कारण युवकों को
बार बार अपना समय इस काम में नहीं लगाना होगा। किसानों के लिए अपने उत्पादों को सही तरह से मार्केट करने और ट्रांसपोर्ट के लिए किसान रेल और कृषि उड़ान के द्वारा नई व्यवस्था बनाई जाएगी। तो बजट आज पेश कर दिया गया और बजट के बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई निर्मला सीतारमण की, और उसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त उन तमाम चीजों को लेकर के, बिंदुओं को लेकर के, इस बात को बता रहे थे कि कैसे देश आगे बढ़ेगा।